लेक्चर ऑफ़ द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आई एम हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं देखो लास्ट लेक्चर में जो कि हमारा पहला लेक्चर था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का उनमें मैंने इंट्रोडक्शन की कुछ बातें की थी कि हम क्यों एनाटॉमी पढ़ते हैं एनाटॉमी क्या होता है हमने टिश्यू के बारे में जाना था कि टिश्यू क्या होता है जिनमें हमने पढ़ा था कि प्लांट टिशू मेनली दो तरह के होते हैं मेरिस्टेमैटिक टिश्यूज़ ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ हमने मेरिस्टमैटिक टिश्यू की बात की थी यहाँ पे मैं थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ मेरिस्टमैटिक टिश्यू का वापस से थोड़ा समझा देता हूँ फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन पे बढ़ेंगे मेरेस्टमैटिक टिश्यूज़ के तो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ पढ़ने के अंदर जब पढ़ोगे तो तुम्हें एक सबसे पहला टर्म के साथ डील करना पड़ेगा जिसका नाम है मेरिस्टेम अब ये मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है देखो मेरिस्टेम क्या होता है देखो ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम्स बात को ध्यान से सुनो एक सीड है जर्मिनेट किया शूट निकला रूट निकला वो प्लेम्यूल होता है ना प्लेम्यूल रेडिकल प्लेम्यूल से आपका वो शूट बनता है रेडिकल से रूट बनता है तो जब आ, प्लांट जब सीड जर्मिनेट होता है तो प्लांट का पहला गो, गोल क्या होगा वो जो सिडलिंग होगा छोटा सा जो पौधा होगा उसका गोल होगा कि वो ग्रो करे बड़ा बने ठीक है नहीं तो कोई भी आदमी जाएगा और कोई भी इंसान कुत्ता बिल्ली जाएगा और जो प्लांट है उसको दबा के मतलब प्लांट खत्म हो जाएगा तो प्लांट का मर जाएगा तो प्लांट का रिक्वायरमेंट होता है कि वो ग्रो करे ठीक है कुचला ना जाए किसी बड़े जीव जंतु से इसलिए प्लांट का गोल होता है कि वो ग्रो करे अब इस ग्रोथ में हेल्प करता है क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ठीक है मेरिस्टेम एक ऐसे स्पेशलाइज रीजन होते हैं जहां पे एक्टिव सेल डिवीजन चलता है ये जो मेरिस्टेम वाला रीजन है शूट की बात करें तो एकदम शूट के एपिक्स पे टिप पे पाया जाएगा जिसे हम कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम ठीक है और रूट पे भी देखो सिर्फ शूट के ग्रो होने से तो नहीं होगा रूट को भी तो ग्रो करना है तो रूट के टिप पे भी आपको रूट एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा मेरिस्टेम क्या है स्पेशलाइज रीजन है प्लांट पे जहाँ पे एक्टिव सेल डिविजन चलता है ताकि प्लांट का ग्रोथ हो सके अब ये जो मेरिस्टेम है स्पेशलाइज रीजन वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे वहाँ पे आपको मिलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलेंगे जिन्हें हम आपस में कहते हैं क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है इनमें क्या इनकी जो फंक्शन होती है ये होती है एक्टिव सेल डिवीजन की धराधर मेरिस्टमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो सेल डिवीजन करते हैं जिसके कारण प्लांट का ग्रोथ हो पाता है और राइट right? तो मेरिस्टेम मेरिस्टमेटिक टिश्यू एक तरह से सेम ही है ठीक है मेरिस्टेम बोलो या मेरिस्टमेटिक टिश्यू बोल लो मेरिस्टेम मतलब वही स्पेशलाइज रीजन हो गया सेल डिविजन का और उसी रीजन पर आपको क्या मिल जाएगा मेरिस्टमेटिक टिश्यू मिल जाएगा ओके okay? तो जहाँ पे मेरिस्टमेटिक टिश्यू है वो रीजन को हम कह देंगे मेरिस्टेम ये जो मेरिस्टेम है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है मेरिस्टो जिसका मतलब होता है डिविजिबल तो मेरिस्टेम का शब्द का मतलब क्या हो गया डिविजिबल क्योंकि देखो मेरिस्टेम एक ऐसा रीजन है स्पेशलाइज रीजन जहां पे सेल का क्या हो रहा है एक्टिव सेल डिवीजन हो रहा है एक्टिव सेल डिवीजन जिसके कारण हमारा जो पौधा है वो ग्रो करेगा ओके इतनी बात समझ में आए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की मेरिस्टेम टिश्यूज के की भी बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में मैं वापस आपको एक बार पढ़ा देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट मेरिस्टमेटिक टिश्यू का ये है कि ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं ठीक है इनका एक ही फंक्शन होता है सेल डिवीजन करने का मेरिस्टमेटिक टिश्यू आपको कहीं पे दिख गया तो समझ जाना फंक्शन क्या है धराधर सेल डिवीजन करेगा और प्लांट के ग्रोथ में भैया मदद करेगा ठीक है प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्राइमरी सेलवॉल जो होते है वो एबसेंट होता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू में सॉरी प्राइमरी सेलवॉल प्रेजेंट होता है क्या बोल रहा हूँ मैं प्राइमरी सेलवॉल प्रेजेंट होता है सेकेंडरी सेल वॉल एप्सेंट होता है प्राइमरी टिश्यू के जो सेल्स हो गए सॉरी मेरिस्टेमेटिक उनमें प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है लेकिन सेकेंडरी सेलवॉल एपसेंट है सेल्स कैसे होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आइजो डायमेट्रिक होते हैं सबका डायमीटर सेम होता है कॉम्पैक्ट टिश्यू होते हैं ठीक है एकदम सटे सटे होते हैं जितने भी सेल्स और कॉम्पैक्ट टिश्यू बनाते हैं यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंटरसेलुलर स्पेस दो सेल के बीच वाला जो स्पेस होता है इंट्रा इंटरसेलुलर स्पेस सॉरी इंट्रा सेलुलर स्पेस वो एबसेंट होता है जिसके कारण जितने भी सेल है वो एकदम कॉम्पैक्ट चिपके होते चिपके हुए होते हैं आपस से और कॉम्पैक्ट टिश्यू बनता है तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू कैसा टिश्यू है कॉम्पैक्ट टिश्यू है लार्ज न्यूक्लियस होता है ठीक है क्योंकि बिकॉज सेल अंडरगोज रैपिड सेल डिविजन आपको पता है इंटरफेज का एस फेज में डी एन एर रेप्लीकेशन होता है ठीक है और ये कहाँ होता है न्यूक्लियस के अंदर इसीलिए इस्टीमेटिक सेल में आपको जो न्यूक्लियस मिलेगा उसका साइज बड़ा होगा क्योंकि उसमें डीएनएर रेप्लीकेशन चलता रहता है क्योंकि सेल को क्या करना है रैपिड सेल डिविजन करना है तो रैपिड सेल डिविजन करना है तो पहले डी एन ए रेप्लीकेट होगा ना तो डीएनए रेप्लीकेशन चलता रहता है एस फेज में ठीक है तभी तो माइटोसिस में आगे जाके सेल का डिविजन होता है तो रेप्लीकेशन चलेगा कहाँ चलेगा न्यूक्लियस के अंदर इसीलिए लार्ज न्यूक्लियस होते हैं मेरे सेल में डेंस साइटोप्लाज्म होता है यानी कि वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना अगर कोई सेल है ठीक है सेल है उसमें अगर वैक्यू यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस बना दिया ठीक है ये न्यूक्लियस है अब सेल में अगर वैक्यूल प्रेजेंट है ठीक है वैक्यूल प्रेजेंट है तो हमारा ये जो साइटोप्लाज्म होगा लाइट साइटोप्लाज्म होगा लेकिन अगर यही वैक्यूल्स एपसेंट नहीं है तो ये हमारा जो साइटोप्लाज्म हो जाएगा डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा ठीक है ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना डेंस साइटोप्लाज्म यानी कि सेल में जो वैक्यूल्स है वो एबसेंट साइटोप्लाज्म में जो वैक्यूल्स होगा ये जो साइटोप्लाज्म है हमारा यहाँ पे ये यह जो वैक्यूल्स है ये एप्सेंट है इसीलिए साइटोप्लाज्म डेंस है पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होते हैं और रिज़र्व फूड मटेरियल एबसेंट होता है ठीक है रिजर्व फूड मटेरियल एबसेंट होता है मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होते हैं क्योंकि एक्टिव सेल डिविज़न कराना है सेल को तो सब प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा डीएनए एन रेप्लीकेशन करेगा तभी तो सेल uh, डिवीजन हो पाएगा इसीलिए मेटाबॉलिकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं बहुत बड़ा काम होता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू के ऊपर उनको सेल डिवीजन कराना होता है ताकि जो छोटा सा पौधा है वो बड़ा बन सके और इस दुनिया में जी सके ठीक है नहीं तो कोई भी आएगा कुचल के चला जाएगा तो इसलिए मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स चलो छठा पॉइंट देखते हैं प्लास्टिड जो होता है या वैक्यूल बोल लो या अर्गास्टिक सब्सटेंस बोल लो या इंट्रासेलुलर स्पेस बोल लो ये सब के सब एब्सेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्लास्टिड एब्सेंट है ठीक है वैक्यूल तो एब्सेंट है वैक्यूल तो एब्सेंट है तब भी साइटोप्लाज्म कैसा है डेंस है क्या होता है नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये सब एबसेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल में और इंट्रा सेलुलर स्पेस एबसेंट होता है तभी तो हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कॉम्पैक्ट टिश्यू होता है इंट्रा स्पेसेस स्पेस सेल के बीच में एब्सेंट है तो टिश्यू कैसा है कॉम्पैक्ट प्लास्टिक एबसेंट होता है ठीक है अब देखो

याद करो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है फूड का सिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट क्या करता है ग्रीन है वो ट्रैप करेगा लाइट ट्रैप करेगा ठीक है तो फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस कराता है बट क्लोरोप्लास्ट देखो एबसेंट है ठीक है तो अभी अपना फूड खुद से नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है खुद से अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे नहीं बना पाएंगे तो ये फूड कहाँ से मिलता है

तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की हमने बात की हमने जाना कि मेरिस्टेम क्या होता है अब चलो बढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के क्लासिफिकेशन के तरफ तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की तो देखो बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड लोकेशन या पोजीशन बोल लो इन प्लांट बॉडी हम पढ़ने वाले हैं टोटल यहां पे 3 और यहां पे 3 छह तरह के मेरिस्टेम के बारे में या फिर मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में बेस्ड ऑन वर्ड बेस्ड ऑन ऑरिजिनल डेवलपमेंट ये तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ठीक है और बेस्ड ऑन लोकेशन यानी कि प्लांट बॉडी में कहाँ पे पाए जा रहे हैं उसके बेसिस पे और तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जैसे एपिकल मेरिस्टेम इंटर कैलोरी मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टेम और एंड लेटरल मेरिस्टेम ये तीन तरह के मेरिस्टेम जो होंगे ये हम पढ़ने वाले हैं ये किस बेसिस पे क्लासिफाई हुए है लोकेशन के बेसिस पे ठीक है प्रो मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम ये तीन तरह के ऐसे मेरिस्टमेरिक टिश्यूज है जो किस बेसिस पे हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरजिन एंड डेवलपमेंट ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट देर आर थ्री टाइप ऑफ मेरिस्टेमेरिक टिश्यू ये एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या पोजिशन इन प्लांट बॉडी ये तीन तरह के मेरिस्टेमेरिक टिश्यू है चलो पहले ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट के साथ डील करते हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड चलो अब यहां से ध्यान से सुनना ठीक है यहाँ से चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है बट मैं कोशिश करूंगा सब चीज सिंपल रखने की बट यहाँ पे थोड़ा अपना कंसेंट्रेशन बनाए रखना क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टमेरिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन डेवलपमेंट हमने देखा तीन तरह के हैं प्रोमेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टम ठीक है इस चीज को देखो घबराना मत मैं बता रहा हूँ क्या चीज है ये ठीक है ये रहा एक प्रोमेरिस्ट यहाँ पे सेल है ठीक है प्रोमेरिस्ट सेल प्रोमेरिस्ट यानी कि जिसे हम एम्ब्रॉनिक मेरिस्टेम भी कहते हैं प्रोमेरिस्टम उसके बाद ये जो प्रोमेरिस्टम है ये क्या करता है इस प्रोमेरिस्टम से बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम ठीक है और ये प्राइमरी मेरिस्टेम जो है ये प्राइमरी मेरिस्टेम अनडिफ्रेंशियटेड होते हैं ठीक है और ये डिवाइड करते हैं और इस प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ठीक है प्राइमरी कैसे बनता है सब बताऊंगा मैं और ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं इस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम ठीक है तो प्रो मेरिस्टेम ठीक है ये प्रो मेरिस्टेम प्रो मेरिस्टेम के बाद आया क्या प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम से बना प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से क्या हो गया सेकेंडरी मेरिस्टेम बना ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ये कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम पे सेकेंडरी मेरिस्टेम पे कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है मे कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कन्वर्ट हो जाते है सेकेंडरी मेरिस्टेम में जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं और इस सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जो कि डिफ्रेंशिएटेड होते हैं ठीक है तो ये तीन तरह के मैंने यहाँ पे दिखाया आपको प्रोमेरिस्टम को एम्ब्रायनिक पेरिस्टम भी कहा जाता है क्यों क्योंकि देखो सीड सीड जो होता है सीड के अंदर आपको पता है एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है और ये जो इम्ब्रायो होता है ये प्रोमेरिस्टम होता है ठीक है ये सीड आगे जाके जर्मिनेट करेगा प्लांट ग्रो करेगा प्लांट में क्या आ, फिर शूट आएगा रूट आएगा और प्लांट की ग्रोथ होगी ग्रोथ में कौन हेल्प करेगा ये प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम और ये परमानेंट प्राइमरी परमानेंट इशू क्या है सेकेंडरी परमानेंट इशू क्या है ये सब मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ यहाँ पे मैंने एक बेसिक आपको एक आइडिया दिया है घबराओ मत नहीं समझ में आया अब समझ में आएगा नेक्स्ट स्लाइड में तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं ताकि आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ जाए चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड ओके अब कहानी है ध्यान से सुनना प्यारी सी कहानी ये छोटा सा सीड है प्यारा सा सीड और राइट सीड के अंदर इम्रॉयो है इमरायो को हमने कह दिया प्रोमेरिस्टन अब ये सीड जर्मिनेट करेगा ठीक है सीड अपनी जिंदगी की शुरुआत करेगा जर्मिनेशन से तो जर्मिनेशन हुआ तो रेडिकल निकला प्लिम्यूल निकला हमें पता है प्लिम्यूल से शूट बनता है रेडिकल से रूट बनता है तो वैसा ही हुआ ये रहा बन गया शूट बन गया रूट ठीक है अब देखो ये जो शूट है इस पर आपको मिलेगा शूट एपिकल मेरिस्टेम और यहाँ मिलेगा आपको रूट एपिकल मेरिस्टेम तो देखो ये शुरुआत में प्रोमेरिस्टेम था ठीक है प्रोमेरिस्टेम से क्या हुआ देखो यहाँ पे प्लूम्यूल निकला रेडिकल निकला ठीक है प्रोमेरिस्टम ने ऐसे प्लूम्यूल बनाया और रेडिकल बनाया इम्ब्रायो में था ओके तो जिंदगी की शुरुआत कर दी प्रोमेरिस्टम ने ठीक है सीड की जिंदगी की शुरुआत कर दी जर्मिनेशन हो गया सीड में अब जब सीड में जर्मिनेशन हुआ तो शूट आया रूट आया शूट के टिप पे आपको मिला शूट एपिकल मेरिस्टेम रूट के टिप पे मिला आपको रूट एपिकल मेरिस्टेम और ये दोनों मेरिस्टेम कैसे मेरिस्टेम होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं ठीक है तो प्रो मेरिस्टम मैंने आपको एक बताया था ऑरिजिन डेवलपमेंट के बेसिस पे और दूसरा यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम आ गया प्राइमरी मेरिस्टेम को हम वन एम भी कहते हैं अब ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है देखो अब क्या होगा शूट एपिकल मेरिस्टेम है उसमें डिवीजन होगा रूट एपिकल मेरिस्टेम है उसमें डिवीजन होगा तो शूट का ग्रोथ होगा रूट का ग्रोथ होगा जाहिर सी बात है। अब देखो ये रहा हमारा यहाँ पे वन एम मैंने लिख दिया यहाँ पेरिस्ट है।, है और यहां पे एपिकल एपिकल तो एपिकल यहाँ पे, यहाँ पे ये ये ठीक है? तो तो एक तरह का कैसा मेरिस्टम हो गया प्राइमरी मेरिस्टम एपिकल का मतलब क्या हो गया जो टिप पे पाया जा रहा है ठीक है और जो इमरा में पाया जा रहा था वो हमारा प्रोमेरिस्टम था सब चीज क्लियर है अब नेक्स्ट देखो यहां यहाँ पे आपको मिलेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अब ये अचानक से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कहाँ से आ गया इस चीज को समझो मान लो सौ सेल्स से, है ठीक है सौ सेल्स है सौ से, प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम के सेल्स से, है जिनमें माइटोसिस हुआ इस सौ सेल से दो सौ सेल बनता है आपको पता है ठीक है हंड्रेड इधर हंड्रेड इधर ठीक है सौ सेल से दो सौ सेल बना सेल डिवीजन पता है ना एक सेल से दो सेल बनता है तो सौ से कितना बनेगा दो सौ बनेगा ये जो दो सौ सेल्स से, है इनमें से क्या होगा ये जो हंड्रेड होंगे ये प्राइमरी पर्मांट टिश्यू बन जाएंगे कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी पर्मांट टिश्यू और बाकी के जो सौ है इसमें वापस से बाकी के जो सौ प्राइमरी मेरिस्टेम है इसमें फिर से डिवीज़न होगा माइटोसिस और फिर इससे सौ बनेगा प्राइमरी मेरिस्टेम और बाकी के सौ जो होंगे वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे फिर ऐसे ये चीज़ चलता रहेगा चलता रहेगा ओके समझ रहे हो ना तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या हो रहा है एक्यूमुलेट होते जा रहा है ओके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनते जा रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है देखो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू भी बन रहा है और प्राइमरी सॉरी हाँ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू भी बन रहा है और इस प्राइमरी मेरिस्टेम से बाकी सौ प्राइमरी मेरिस्टेम भी बन रहे हैं जो कि आगे जाके फिर सौ प्राइमरी मेरिस्टेम बना रहे और फिर सौ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना रहे तो ऐसे करके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनते जा रहा है जिसके कारण क्या होता है प्लांट की लेंथ बढ़ती है समझो बात को प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड करेगा 100 प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड किया तो उसने 100 प्राइमरी मेरिस्टेम बना दिया और 100 प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना दिया ये परमानेंट टिश्यू ऐसे बनते जा रहे बनते जा रहे बनते जा रहे तो प्लांट की लेंथ बढ़ते जा रही है ठीक है प्लांट की क्या हो रही है लेंथ बढ़ते जा रही है तो यहाँ पे मैंने दिखाया प्लांट की लेंथ बढ़ रही है और इस ग्रोथ को जो प्राइमरी मेरिस्टेम से हुआ इसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ बाय प्राइमरी मेरिस्टेम जिसे हम जिसमे कहते हैं तो प्राइमरी मेरिस्टेम शूट पे भी था एपिकल मेरिस्टेम क्या है प्राइमरी मेरिस्टेम राइट और शूट पे भी था तो इसी तरीके से शूट और रूट पे आपको क्या प्राइमरी uh, मेरिस्टेम मिलेंगे और ये क्या करेंगे ग्रोथ बढ़ाएंगे कैसे ग्रोथ हो रहा है एक मिनट थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ कैसे ग्रोथ हो रहा है देखो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनते जा रहे हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनते जा रहे हैं ठीक है और जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ होते जा रही है और राइट नेक्स्ट थिंग इज अब ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है अंडर सर्टेन कंडीशन अंडर सर्टेन सिग्नल्स जो हॉर्मोन का सिग्नल मिलता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को और ये जो हमारा प्यारा सा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू था ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम में जिससे हमने कह दिया टू ठीक है मेरिस्टेम ना मेरिस्टेम का meristem आ गया? आ गया, इसका मतलब समझ जाना कि ग्रोथ करवाएगा मेरिस्टेम का काम क्या है प्लांट की ग्रोथ करवाना जैसे देखो प्राइमरी ग्रोथ कौन प्राइमरी मेरिस्टेम कराया जिसके कारण प्लांट की लेंथ बढ़ी अब अब देखो परमानेंट टिश्यू है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ये क्या होता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी मेरी स्टेन में और राइट तो अब सेकेंडरी मेरी स्टेम आया तो वापस से प्लांट में कुछ ना कुछ ग्रोथ करवाएगा ही ये मेरी स्टेम जो कि सेकेंडरी मेरी स्टेम है अब ये क्या कर? इसे हम टू एम से डिनोट करते हैं अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या कराएगा देखो ये सेकेंडरी मेरी स्टेम कराएगा सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा जिसके कारण प्लांट का गर्थ बढ़ेगा गर्थ शुरू में लंबाई बढ़ रही थी प्राइमरी मेरी स्टेम फिर ये प्राइमरी मेरी से ऐसे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनते जा रहे थे देखो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अंडर सर्टेन सिग्नस रिस्पॉस हॉर्मोनल रिस्पॉन्स के कारण ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है इसको सिग्नल मिलता है और ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरी में कन्वर्ट हो जाता है हारमोन्स होते हैं बहुत सारे प्लांट वो रिलीज करते हैं और बोलते हैं कि ओए प्राइमरी परमानेंट टिश्यू तो बैठे बैठे क्या कर रहा है प्लांट की लेंथ बहुत बढ़ गई है सिर्फ प्लांट की लेंथ ही बढ़ेगी तो प्लांट ऐसे लंबा लंबा होते 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 इतना पतला होकर डैनिक टूट के गिर जाएगा तो प्लांट को हार्मोनल रिस्पॉन्स मिलता है बोलता है कि जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है उस बहुत सारी बन गई है लेंथ बहुत बढ़ गया अब उस थोड़े बहुत प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को बोलो कि सेकेंडरी मेरिस्टम में कन्वर्ट हो और सेकेंडरी ग्रोथ भी करवाए ताकि प्लांट की चौड़ाई बने मोटा हो प्लांट ठीक हो ठीक है जिसके कारण अच्छे से एकदम तगड़ा रह सके जमीन पे नहीं तो सिर्फ लंबाई होगी तो टूट के गिर जाएगा ठीक है तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जो था ठीक है तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम जो था इसने क्या किया सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना दिया पे यहाँ पे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बहुत सारे बन गए अभी जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होते हैं ना इनका शेप होता है कुछ इस तरीके का सिलेंड्रिकल होता है जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं क्या सेकेंडरी मेरिस्टेम में तो अब सिलेंड्रिकल है तो अगर इसका ग्रोथ होगा डिविजन होगा अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम में तो इस तरीके से होगा इस तरीके से डिविजन होगा तो प्लांट की चौड़ाई बढ़ेगी ठीक है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया और सेकेंडरी मेरी स्टेम में फिर डिवीजन हुआ तो कुछ कुछ सेकेंडरी मेरी स्टेम भी बन रहे थे और जैसे यहाँ पे देखो प्राइमरी से कुछ कुछ प्राइमरी मेरे स्टेम बन रहे थे और कुछ कुछ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन रहे थे जो कि प्लांट का लेंथ बढ़ा रहे थे वैसे यहाँ पे भी होगा सेकेंडरी मेरी स्टेम से बहुत सारे सेकेंडरी मेरी स्टेम जैसे सौ सेकेंडरी मेरी स्टेम का सेल है तो ये सौ सेकेंडरी मेरी स्टेम बनाएगा और सौ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा ये रहा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जो कि क्या कर रहा है इकट्ठा होते जा रहा है और ग्रोथ बढ़ा रहा है प्लांट का ग्रोथ मतलब गर्थ गर्थ बना रहा है ठीक है समझे इस बात को वापस से एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूं हमारा सीड दुनिया में आया प्यारा सा सीड इसके अंदर इम्ब्रॉय ये इम्ब्रॉय क्या है प्रोमेरिस्टेम है ठीक है तो इसने क्या कराया प्रोमेरिस्टेम ने प्लेम्यूल बनवाया रेडिकल बनवाया ठीक है मेरिस्टेम में कुछ ना कुछ करेगा ग्रोथ में ग्रोथ में ही हेल्प करेगा तो क्या कर दिया कि चलो जमिनेशन करवा के प्लेम्यूल बाहर आ गया रेडिकल बाहर आ गया प्लेम्यूल से शूट बना रेडिकल से रूट बना शूट पे फिर आपको शूट एपिकल मेरी स्टेम मिलेगा रूट पे आपको रूटेपिकल मेरी स्टेम मिलेगा ये कैसे मेरे स्टेम होता है प्राइमरी मेरी स्टेम होता है वापस से मेरी स्टेम आ गया तो वापस से मेरी स्टेम आया तो फिर ग्रोथ में ही कुछ ना कुछ करेगा मेरी स्टेम आया तो वो भैया अनडिफ्रेंशिएटेड होता है मेरी स्टेमेटिक टिश्यू और ये ग्रोथ ही करवाता है एक्टिव सेल डिविजन सेल डिविजन करेगा ठीक है तो देखो सेल डिविजन किया यहाँ पे प्राइमरी मेरी स्टेम ने ऐसा लग रहा है मंत्र पर प्राइमरी मेरी स्टेम ने क्या किया सेल डिविजन किया प्राइमरी मे स्टेम में सब डिवीजन में माइटोसिस हुआ तो फिर सौ प्राइमरी मे बने और सौ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना ऐसी करके अब ये सौ स्पेसिफिक मैंने ऐसा नहीं कि सौ ही है कि कुछ भी नंबर हो सकता है तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए सौ लिख दिया ये मत समझ जाना कि अब हाँ सौ ही सेल होंगे प्राइमरी मेरी के नहीं नहीं कुछ भी हो सकते तो मैंने इसे एग्जाम्पल दिया ठीक है जिससे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना जिसके कारण क्या हो गया प्राइमरी ग्रोथ हुआ लेंथ बढ़ा ओके प्राइमरी मे को हम वॉन एम भी कहते हैं अब देखो लेंथ बढ़ने से तो नहीं होगा गर्थ भी बढ़ना चाहिए तो ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन रहे थे ये अंडर हार्मोनल हार्मोन रिस्पॉन्स बहुत सारे सिग्नल मिलता है हार्मोन का हार्मोन रिलीज होता है ये क्या करता है सिग्नल देता है कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को कि तुम कन्वर्ट हो जाओ सेकेंडरी मेरी स्टेम में सेकेंडरी मेरी स्टेम बन गया अब सेकेंडरी मेरी स्टेम क्या करेगा फिर से वापस से मेरी स्टेम आ गया तो ये अब सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा सेकेंडरी ग्रोथ में क्या हुआ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना ठीक है अब ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू क्या किया गर्थ बढ़वाया सेकेंडरी मेरिस्टेम ने क्या किया सेकेंडरी ग्रोथ किया जैसे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनते गए और इसके कारण क्या हुआ प्लांट का गर्थ बढ़ा ओके तो यहाँ पे समझ में आया मेरिस्टेम बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ओरिजिन देखो यहाँ से ओरिजिन हुआ प्रो मेरी स्टेम और इसने कैसे कैसे करके डेवलपमेंट कराया प्लांट का ग्रोथ बढ़वाया ओके तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट तीन तरह के मेरी स्टेम हमने पढ़े प्रो मेरी स्टेम प्राइमरी मेरी स्टेम और यहाँ पे तीसरा हमारा सेकेंडरी मेरिस्टम चलो अब वापस नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं और उस गोल गोल वाले जो डायग्राम था जिसे मैंने कहा था कि समझाऊंगा जिसको मैंने अभी समझाया उसे वापस से देखते हैं तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अब हम वापस से आगे हमारे ये गोल 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 वाला जो डायग्राम वाला फिगर है देखो ये सब क्या है सेल्स है प्रो मेरिस्टम सेल बोलो टिश्यू बोलो ठीक है प्रो मेरिस्टम देखो प्रोमेरिस्टम से कैसे प्राइमरी मेरिस्टेम बना मैंने दिखा दिया ना ये इम्रॉयो था रूट शूट बना रूट के ऊपर रूट एपिकल मेरिस्टेम शूट एपिकल मेरिस्टेम ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम है ना यानी कि मेरिस्टमेरिक टिश्यू है मेस्टमेरिक टिश्यू मैंने आपको कहा था अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे और अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे धराधर सेल डिवीजन करेंगे तो प्राइमरी मेरिस्टेम सेल डिवीजन कर रहा था सौ प्राइमरी मेरिस्टेम सेल डिवीजन कर रहा था और सौ प्राइमरी मेरिस्टेम बना रहा था और सौ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना रहा था परमानेंट टिश्यू आ गया नाम देखो परमानेंट टिश्यू तो और मैंने आपको कहा कह के रखा है पहले लेक्चर में परमानेंट टिश्यू जो होता है ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं ठीक है तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड लिखा हुआ है अब अंडर सर्टेन कंडीशन कॉमन का रिस्पॉन्स सिग्नल मिलता है और ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या होता है सेकेंडरी मेरी में कन्वर्ट हो जाता है अब वापस से मेरी आ गया सेकेंडरी मेरी तो अनडिफ्रेंशिएटेड होगा ठीक है और मेरी है तो वापस से क्या कराएगा ग्रोथ कराएगा तो धराधर डिविजन होगा मेरी सेकेंडरी मेरे में और ये क्या करेगा सेकेंडरी ग्रोथ करेगा क्या करेगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा जिसके कारण सेकेंडरी ग्रोथ होता है प्लांट का गर्थ बढ़ता है वापस से परमानेंट टिश्यू आया है तो डिफरेंशिएटेड होगा समझ जाना तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा अब ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट एक चीज और देखो प्राइमरी मेरी ये जो प्राइमरी ग्रोथ है यानी कि ये जो आपको ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ये आपको सारे प्लांट में मिलेगा प्राइमरी ग्रोथ यहां से यहां तक ये हमारा प्राइमरी ग्रोथ था

पतले पतले होते हैं लेकिन बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट हो गए उनको देखना अच्छे खासे मोटे तगड़े होते हैं राइट तगड़े से होते हैं मोटे से होते हैं तो जहां जहां आपको प्राइमरी ग्रोथ दिखेगा उसमें आपको प्राइमरी मेरी स्टेम मिलेगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू मिलेगा सारे प्लांट में ही होता है प्राइमरी ग्रोथ जो प्लांट का गर्थ भी मोटा है वो भी कभी 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 ना कभी मतलब वो भी तो प्राइमरी ग्रोथ करेगा ही ठीक है लेकिन देखना कुछ कुछ प्लांट्स ही होते हैं जिनमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ दिखेगा ठीक है बहुत सारे प्लांट में आपको प्राइमरी ग्रोथ मतलब समझ में आ रहा है ना ये वाला स्टेटमेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा इसलिए मैं इसे बुखला के बोले जा रहा हूँ प्राइमरी ग्रोथ सारे प्लांट में मिलता है इन ऑल प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ आपको दिखने को मिलेगा उन्हीं प्लांट में जो जो समझ जाना जो प्लांट का गर्थ मोटा है वो समझ जाना उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हुआ है सेकेंडरी ग्रोथ हुआ है तो उसमें सेकेंडरी मेरी रहा होगा ठीक है तो ऐसे प्लांट में जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन रहे थे जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हुआ है वो जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू थे वो कन्वर्ट हो जा रहे थे हॉर्मोनल बहुत सारे रेस्पॉन्स सिग्नल से सेकेंडरी मेरिस्टेम में और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना रहा था जिसके कारण जो हमारा ग्रोथ करवा रहा था जिसके कारण गर्थ बढ़ रहा था सेकेंडरी मेरिस्टेम डिविजन करवा रहा था सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनते जा रहे थे और क्या हो रहा था प्लांट का गर्थ बन रहा था प्लांट जो है अच्छा खासा थिक हो रहा था चलो नेक्स्ट अब इस चीज को समझना पीएम शॉर्ट में मैंने लिख दिया प्राइमरी मेरिस्टेम को ठीक है मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या होता है देखो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रेंसीशन ठीक है डिफ्रेंसीेशन अभी इस चीज़ पे ध्यान मत दो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इस पर ध्यान मत दो बहुत जन अभी यहाँ ध्यान दे रहे होंगे प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना इस प्रोसेस को हमने कह दिया डिफ्रेंसीशन ठीक है फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम बना तो हमने इसे कह दिया डी डिफ्रेंसीएशन देखो मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन रहा है परमानेंट टिश्यू तो हमने कह दिया differentiation. वापस से यहां देखो, primary permanent tissue से से देखो बन बन रहा रहा है क्या Secondary meristem, meristematic tissue. तो जब meristematic से permanent बन रहा था तो हमने क्या हम कह रहे थे डिफेंसिएशन लेकिन अब देखो परमानेंट से क्या बन रहा है मेरिस्टम तो हमने कह दिया डिडिफेंसिएशन उल्टा हो रहा है तो इसलिए हमने डिडिफेंसिएशन लिख दिया प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का बनना इस डिफ्रेंसीएशन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम का बनना वापस से मेरिस्टेम का बनना परमानेंट से तो हमने कह दिया डी डीडिफ्रेंसीशन अब देखो सेकेंडरी मेरिस्टेम था मेरिस्टेम से वापस परमानेंट बना सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू तो हमने कह दिया री प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन रहा था हमने कह दिया डिफ्रेंसीशन अब वापस यहां देखो सेकेंडरी मेरिस्टेम से वापस परमानेंट बन रहा है तो रीडिफ्रेंसीशन वापस से डिफ्रेंसिएशन तो री लेकिन अगर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू से अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम बन रहा है कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है सेकेंडरी मेरिस्टेम बन रहा है ठीक है उल्टा हो रहा है मेरिस्टेम से परमानेंट बन रहा था तो डी डिफ्रेंसीशन कह रहे थे लेकिन आप परमानेंट से प्राइमरी परमानेंट से मेरिस्टेम बन रहा है सेकेंडरी मेरिस्टेम उल्टा हो रहा है तो हमने कह दिया डी डिफरेंसिएशन समझ में आ गया चलो अब इस चीज को देखो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू लॉस्ट एबिलिटी ऑफ डिविजन में टेम्परेरली और परमानेंटली ये क्यों लिखा गया देखो क्योंकि सारे प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ तो नहीं होता ना मैंने कहा था सारे प्लांट इन दो प्लांट जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा उसी में ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी मेरी में और डिवीजन की एबिलिटी होगी टेम्परेरली होगी लेकिन परमानेंटली लॉस कर जाते हैं समें ऐसे प्लांट में जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा कोई कोई प्लांट में तो ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है जो कि कन्वर्ट हो रहा था वो क्यों ही कन्वर्ट होगा अगर उस प्लांट को नेचर ने इसी हिसाब से तो प्लांट एवोल्यूशन जो हुआ है देखो तभी तो कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं वो पतले स्टेम होते हैं कुछ कुछ प्लांट मोटे होते हैं तो नेचर ने वो किया है ना तो नेचर ने भी ये भी कह दिया कि देखो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जब भी ये कन्वर्ट होंगे सेकेंडरी मेरी स्टेम में और ग्रोथ करवाएंगे तो क्या होगा सेकेंडरी ग्रोथ होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा तो प्राइमरी मेरिस्टेम के लॉस्ट एबिलिटी ऑफ डिवीजन ये डिवीजन की एबिलिटी टेंपरेरली या परमानेंटली लॉस कर जाते हैं ऑलराइट right? अब ग्रोथ और प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो देखो वो हमेशा चलता रहता है हम ह्यूमंस जो होते हैं एक टाइम के बाद भले नजरअंदाज करना छोड़ दें मतलब एक आम का पेड़ है कभी गांव जाना अपने आम का पेड़ वो तुमको लगता है एक टाइम के बाद तुमको लगता है कि यार ये आम का पेड़ अब बड़ा हो गया अब इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा उसमें ग्रोथ हो रहा है बस तुमने ध्यान देना छोड़ दिया ठीक है तो प्लांट एक ऐसा स्पीशीज है लाइक एक ऐसा मतलब तो क्या क्या है ऑर्गेनिज्म है प्लांट भी तो एक ऑर्गेनिज्म है ना लिविंग थिंग है जो कि थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम वो लोग ग्रोथ दिखाते रहते हैं उनका गर्थ चौड़ा होता रहता है लेंथ बढ़ता रहता है ठीक है एक टाइम के बाद भले थोड़ा थोड़ा बढ़ता है पर बढ़ता रहता है ठीक है तो ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ये लॉस्ट एबिलिटी ऑफ डिविजन में टेम्परली टेम्परेली डिवाइड करना छोड़ देते हैं लेकिन फिर जब प्लांट को लगता है कि नहीं अब चलो अब थोड़ा गर्त बढ़ाते हैं लेंथ बढ़ गया तो ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है इसके अंदर फिर डिवीजन की एबिलिटी आ जाती है ये कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी मेरी स्टेम में और फिर सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू लॉस्ट एबिलिटी ऑफ डिवीजन मेड टेम्परेली और परमानेंटली अब अगर ग्रोथ कराना ही नहीं है सेकेंडरी मेरी फॉर्म नहीं होगा ग्रोथ कराना ही नहीं है तो फिर परमानेंटली प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाती है परमानेंटली लॉस्ट एबिलिटी ऑफ डिवीजन अगर सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट को और करवाना नहीं है तो ये सब नेचर का खेला है ठीक है एवल्यूशन इसी तरीके से हुआ है तो आई होप तुम्हें अब ये चीज़ पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा ओके तो चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड ओके तो देखो बेस्ड ऑन ऑरिजिनल डेवलपमेंट तीन तरह के मेस्टमरिक टिश्यू या हाँ तीन तरह के मेरिस्टमेरी टिश्यू प्रो मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम की हमने बात की अब बेस्ड ऑन लोकेशन इन प्लांट बॉडी तीन तरह के और हैं एपिकल इंटर कैलरी और लैटरल इनकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे लेक्चर थ्री में लेक्चर थ्री में हम एपिकल मेरिस्टम के साथ सबसे पहले डील करेंगे क्योंकि यही सबसे पहला मेरिस्टेमेरिक टिश्यू है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इन प्लांट बॉडी तो यहीं पर ये लेक्चर होता है समाप्त तो वैसे यहीं पे लेक्चर खत्म होता है आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नेटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे फेसबुक पेज पे ट्विटर पे और नेटोलॉजी का जो चैनल है टेलीग्राम पे इसे जाकर ज्वाइन करो यहाँ मैं नोट्स अपलोड करता हूँ तो तुम्हें यहाँ से नोट्स मिल जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नियटोलॉलोलॉल का चैनल है इसको सब्सक्राइब करना यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं फ्यूचर में नए वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले और अगर तुम्हें और भी नेटोलॉजी के वीडियोज देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे शो कर रहा होगा उस पर क्लिक करो, नेटोलॉजी का और भी वीडियोस देखो तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाय थैंक यू टेक केयर